नमस्कार, आप देख रहे हैं जनाक्रोश और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। आज बात करेंगे सूबे के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच की। बिहार के कई शहरों से मरीज ठीक होने की उम्मीद लेकर पटना के पीएमसीएच में बेहतर इलाज की आस लिए पहुंचते हैं, पर यहां इनकी बीमारी का सामना होता है बीमार व्यवस्था से, अस्पताल के कर्मचारियों की लापरवाही से और जुगाड़ भरोसे हो रहे इलाज से। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर मरीज जाएं तो जाएं कहां? जनाक्रोश में इसी मुद्दे पर आपकी राय लेंगे। अब हम आपको सूबे के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीएमसीएच की जो तस्वीरें दिखाने वाले हैं, हमारा दावा है कि आप इन तस्वीरों को देखकर चौंके तो नहीं होंगे, क्योंकि अमूमन सरकारी व्यवस्था का यही हाल है। जिस तरह से सरकारी तंत्र सोया पड़ा है, वैसे ही सरकारी अस्पताल के कर्मचारी सोए पड़े हैं। और ये दूसरी तस्वीर और भी चौंकाने वाली बात है। हालांकि अमूमन मरीजों की भीड़ की वजह से सरकारी अस्पतालों में बेड की कमी हो जाती है, तो मरीजों को जमीन पर लिटाकर ही इलाज कराना पड़ता है। तो वो नज़ारा यहां भी है, जबकि ये सूबे का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। मरीजों की तीमारदारी करने वाले नींद में मिलते हैं, और दूसरी ओर किस तरह से जुगाड़ तकनीक का सहारा लेकर मरीजों का इस्तेमाल किया जाता है, वो इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। ये चौंकाने वाली तस्वीर, कोल्ड ड्रिंक के बोतल में पाइप डालकर मरीज को आराम देने की कवायद की जा रही है। डूबते को तिनके का सहारा तो कहा जाता है, और सही भी है, लेकिन यहां मरते व्यक्ति को जिंदा रखने के लिए कोल्ड ड्रिंक का बोतल इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जुगाड़ तकनीक शायद आपको बिहार के पीएमसीएच में ही देखने को मिले। तो इस मुद्दे पर आप भी अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश होगा, इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये पीएमसीएच की तस्वीर है, जहां की स्थिति देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर सूबे के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल, जहां तमाम सहूलियत मुहैया कराने का दावा किया जाता है, वहां की यह स्थिति है, तो दूसरे जगहों की अस्पतालों की बात करना भी बेमानी है। वहां सुविधाओं की उम्मीद कौन करे? मरीजों की जिन्हें तीमारदारी करनी है, जिनके भरोसे मरीज अस्पताल पहुंचे हैं, वो नींद में सोए हैं। शिव कुमार पांडे एक दर्शक जहानाबाद से जुड़े हुए हैं। जी शिव जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? दीपक जी, देखिए, सरकारी अस्पताल होता है गरीबों के लिए, और गरीबों की जो बिहार में स्थिति है, अभी आप कुछ आपके टीवी चैनल पर हम देख रहे थे कि बिहार में महादलितों की क्या स्थिति है। अगर यह सरकारी अस्पताल गरीबों के लिए नहीं रहता जी, तो आप हाल फिलहाल में देखे होंगे, आप स्वयं दिखाए हैं कि एगो व्यक्ति के एक दिन एगो पैखाना हो गया लालू प्रसाद को, तो 31 तारीख से लेके 8 तारीख तक, 8 दिन तक सरकारी रिकॉर्ड में 2 डॉक्टर और ऐसे 15 डॉक्टर उनके आवास पर रहे। क्यों रहे? क्योंकि वह एक दमंग हैं, वह एक बिहार के सबसे बड़े माफिया हैं, बिहार के सबसे बड़े डकैत हैं। तो अगर हम भी अगर बिहार में डकैती शुरू कर दें, बिहार को लूटना शुरू कर दें दीपक जी, तो मेरे यहाँ भी 40 डॉक्टरों का, क्योंकि दहशत से लोग रहेगा, क्योंकि अगर दहशत इसलिए पैदा होगा कि डॉक्टर के पता होगा कि अगर शिव कुमार पांडे कि हम नहीं जाएंगे तो मियाँपुर और बात है जैसा मेरे पूरे परिवार को ये अटवा देगा, जैसे लालू प्रसाद यहाँ हर से डॉक्टर रहा और लगभग 20-25 लोगों की मृत्यु हुई। आज पीएमसीएच की यह हालत है, और लालू प्रसाद यहाँ एक चोर की यहाँ जो बिहार का सबसे बड़ा चोर है, उसके यहाँ 8-8 दिन डॉक्टर रहता है, ये बिहार का दुर्भाग्य है। ये लालू प्रसाद ने
ये बिहार का वो सत्ता भी आया है, वह डकैतों के हाथ में आया है। लालू प्रसाद जी ने कोई अडवाणी को नहीं लूटा, अभी टाटा को नहीं लूटा, बिहार को नहीं, अभी बिरला को नहीं लूटा, वह गरीबों को लूटकर। और आज इन लोग दलित और महादलित की बात करते हैं, जहां एक गरीब के इलाज के लिए आपके सामने आप दिखा रहे हैं, दलितों के साथ इस तरह की बात हो रही है आप दिखा रहे हैं, बिहार के लिए दुर्भाग्य है जी। दीपक जी, आज मैं इतना ही आप ही के चैनल से, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं, अरे मैं बोलता हूँ, मैं भी एपी आंदोलन में लालू और नीतीश के साथ काम कर चुका हूँ, मैं सत्य बात बोलता हूँ। आज इतना ही दीपक जी, धन्यवाद शिव जी न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो आप भी इस मुद्दे पर अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं, ये अद्भुत तकनीक जुगाड़ व्यवस्था शायद बिहार में ही देखने को मिले, लेकिन बिहार के पीएमसीएच की यह स्थिति। आसनसोल से एक दर्शक अर्जुन ठाकुर जुड़े हुए हैं जी। अर्जुन जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? हाँ, मेरा तो ख्याल है कि ऑपोजिशन जो किसी स्टेट का होता है, उसका ये फर्ज होता है कि ये जो करती है सरकार को उजागर करे जी। तो सुशील मोदी से आप लोग ही बात करते कि ये चीज पर नहीं ध्यान करके किसी पर्सनल अटैक पर करता है कि कौन कहाँ क्या कर, असली काम वो कर नहीं रहे हैं। और पांडे जी जैसा बोल रहे हैं वो सही बात है, किसी पर्सनल किसी आदमी पर अटैक करने की जरूरत नहीं है, ये गलत गड़बड़ी सरकार का ओपोजिशन का ड्यूटी है कि इसके बारे में उजागर करना, और तभी सरकार चेतेगी। ओपोजिशन का काम ही यही होता था, पहले भी होता था, आज होना चाहिए। वो किसी पर्सनल अटैक केवल करता है सुशील जी। धन्यवाद अर्जुन जी न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आप भी हमें फोन कर सकते हैं, हमारा फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये पीएमसीएच की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पटना से एक दर्शक उपेंद्र जुड़े हुए हैं जी। उपेंद्र जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? मेरा सबसे पहले तो ये कहना है कि बड़ा आश्चर्य होता है कि बुद्धिजीवी जो अपने आप को समझता है लोग, बुद्धिजीवी समझने वाला लोग बेवकूफ ऐसा क्यों बात करता है। रह गई बात कि लोग किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेके अगले व्यक्ति विशेष को नीचा दिखाना चाहता है, और उसको पता होना चाहिए कि वो हेलो सुन रहे हैं उपेंद्र जी, बोलिए। हेलो, और वो नहीं जानता है कि वो एक व्यक्ति विशेष ऐसे समाज से आता है जो हर जगह मौजूद है और हर समाज को मदद करता है और हर समाज उससे मदद लेता है, फिर भी निर्लज्ज की तरह उस समाज के लोगों को हे दृष्टि से देखता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जितने जो डॉक्टर वगैरह हैं, इन पर सरकार और सिस्टम को आज से नहीं, ये तो व्यवस्था बनाया गया है। कभी आपने किसी गरीब के बच्चों को देखा है डॉक्टर बनते हुए एक आध को अपवाद के रूप में? तो ये सारा व्यवस्था शुरू से किया गया है। क्यों सरकारी स्कूल के मेडिकल कॉलेजों की संख्या कम क्यों है? वहाँ पैसे पढ़ाने के लिए पैसा क्यों अधिक लगता है? यहाँ पाटलिपुत्रा कॉलोनी ऐसे जगह में रोमन हॉस्पिटल ऐसा जिसका 5-5-10-10 को पूरा फ्लैटे खरीद लिया, मतलब वहाँ का 2-4-10-15 को जो है कि जो क्वार्टर था वो सबको खरीद लिया। वो खरीदने वाला कौन व्यक्ति है? उस पर क्यों नहीं अंकुश लगाया जाता है? बिल्कुल गंभीरता से इस विषय पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है, जो फिलहाल सरकार नहीं कर रही। धन्यवाद उपेंद्र जी न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। आप भी हमें फोन कर सकते हैं। औरंगाबाद से एक दर्शक राजीव जुड़े हुए हैं जी। राजीव जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? सर, इस मुद्दे पर हम ये कहना चाहते हैं जी, डॉक्टर हॉस्पिटल में तो रहते हैं लेकिन उनकी जो योग्यता होती है, जो ये आरक्षण के चलते जो उनकी नियुक्ति होती है वो देखते भी है तो इलाज जाता है और ट्रीटमेंट कुछ और होता है, समझ गया कि नहीं? और जब से ये आरक्षण की सरकार आई है, ये नीतीश कुमार और ये लालू यादव का गठबंधन का जो सरकार आया है, उस समय से बिहार में और जो हॉस्पिटल की स्थिति जो है वो गड़बड़ा गई है। धन्यवाद राजीव जी अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। आप भी हमें फोन करें, हमारा फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। ये तस्वीरें पीएमसीएच की है,
रंजीत प्रसाद एक दर्शक धनबाद से जुड़े हुए हैं। जी रंजीत जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? श्रीमान, मैं रंजीत प्रसाद शर्मा धनबाद एरिया से बता रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ श्रीमान की देश की जो व्यवस्था है, शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग की, वो बहुत चरमरा गई है। क्योंकि 70 वर्षों की आजादी के बाद भी हमारा देश आज सही शिक्षा नहीं दे पा रहा है। सरकारी स्कूलों में जो शिक्षकों की कमी और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर 4-5 हजार 6 हजार लोग वेतन देकर के काम लिया जाता है, तो शिक्षा का सुदृढ़ीकरण कहाँ से होगा? आप समझ सकते हैं कि एक शिक्षित शिक्षिका या शिक्षक जो उत्पन्न होता है धरती से, वह एक मार्गदर्शक होता है, लेकिन सही शिक्षा नीति नहीं होने के कारण शिक्षा की आज बहुत कमी हो गई है। और राजनेताओं की इसमें सबसे बड़ी भागीदारी होनी चाहिए, तभी देश का कल्याण और समाज का कल्याण हो सकता है। जनता को जागरूक होकर के सरकारी शिक्षा नीति को तंदुरुस्त करने के लिए पहल करने की आवश्यकता है, और स्वास्थ्य विभाग पर भी पहल करने की आवश्यकता है तभी। और सरकार को तो मॉनिटरिंग होता ही नहीं है, जैसे चल रहा है जैसे प्राइवेट स्कूलों में गरीब के बच्चे तो जा ही नहीं सकते, वहाँ किताब ही नहीं मिलता और ड्रेस ही नहीं मिलता है, तो प्राइवेट स्कूल में कहाँ से पढ़ पाएंगे? नीति को सुदृढ़ और मजबूत करने का और एक शिक्षा नीति के तहत पूरे देश को लाने की आवश्यकता है। जैसे GST लाया गया, पूरे भारतवर्ष में एक तरह का दाम बिल्कुल, इसकी पहल शुरू हो चुकी है रंजीत जी। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो आप भी हमें फोन करें, हमारा फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। ये PMCH की तस्वीरें आप देख रहे हैं। रामेश्वर प्रसाद एक दर्शक पटना से जुड़े हुए हैं। जी रामेश्वर जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? बिहार का नीति ऐसा हो गया है जी कि सरकार चाहती है कि मैं जीऊं और जीने दूं। कारण क्या है कि डॉक्टर से लेके कर्मचारी पदाधिकारी सब उनके कालाबाजारी में भागीदार हैं, और इसके कारण ये लोग भी आजाद हैं उतना ही जितना जो कालाबाजारी लूटने वाले लूट रहे हैं। जब हॉस्पिटल का आधा से ज्यादा फंड एक आदमी लूट के बैठ जाए तो बाकी लोग तो बचा खुचा लूटेगा ही, और साथ साथ लापरवाही भी दिखाएगा। सरकार इन्हें कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, इसलिए नहीं बिगाड़ सकती है क्योंकि उनके चोरी में ये शेयर हैं, शेयरदार हैं, इनकी मदद मिलती है। दूसरी बात रही चीज कि ये तो गरीबों के मसीहा कहलाते थे राजद के नेता, और आज उन्हीं के परिवार में स्वास्थ्य विभाग है, और सरकारी अस्पताल में गरीब लोग ही जाता है, अमीर लोग सरकारी अस्पताल में कभी नहीं जाता है। तो गरीबों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, और सुशासन बाबू जो नीतीश बाबू हैं, जो चाहते थे कि हम अच्छा वातावरण लाए बिहार में, तो कैसे ला सकते हैं? एक जो लूटने वाले को साथी रखे हैं, साथ में हैं, और उनके लूटने से रोक नहीं सकते हैं, वो लूटेंगे ही, और कर्मचारी जो लूटने में मदद करेगा वो लापरवाह रहेगा ही। मरेगा गरीब और जाए बर्बाद होगा गरीब, और सुशासन का नाटक अब बंद किया जाए, और ये गरीबों का मसीहा जो कहलाते हैं उनका भी पोल बिहार में खुल चुका है, जनता इन्हें क्षमा नहीं करेगी, आने वाले इलेक्शन में पता चल जाएगा। धन्यवाद रामेश्वर जी न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। आप भी हमें फोन करें, हमारा फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इस मुद्दे पर अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। ये PMCH की तस्वीर है जहां मरीजों की स्थिति में इलाज की जाती है कि उनकी बीमारी ठीक हो रही है या और बदतर हो रही है, ये मरीज ही समझ सकते हैं। और जो जुगाड़ तकनीक की बात कही जाती है वो आपको इस PMCH में देखने को मिलेगी, सूबे के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में। इस मरीज को आप देख सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक के बोतल में पाइप डालकर मरीज को लगाया गया है, न जाने इससे मरीज की बीमारी किस हद तक ठीक होगी। प्रतीक एक दर्शक पटना से जुड़े हुए हैं। जी प्रतीक, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री जी 12वीं फेल हो, वो स्वास्थ्य का हाल क्या जानेगा? क्योंकि आज तक हमें लगता नहीं है कि पूरे बिहार में या फिर पूरे भारत में कभी भी ऐसा हुआ हो कि एक इंटरमीडिएट फेल छात्र स्वास्थ्य मंत्री बन गया हो, 9वीं फेल छात्र डिप्टी CM बन गया हो,
ऐसा तो बस बिहार में ही हो सकता है, क्योंकि राबड़ी देवी ने अंगूठा छाप मुख्यमंत्री का पद लिया था और इन्होंने तो सारा बेड़ा गर्क कर रखा है। जी धन्यवाद प्रतीक जी, न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात साझा करने के लिए। पीएमसीएच की तस्वीर है जहां व्यवस्था सोई हुई है। भूदेव एक दर्शक झारखंड से जुड़े हुए हैं। जी भूदेव जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? ये से लिया जाता है आपका। हेलो जी बोलिए। हेलो बोलिए भूदेव जी। उसमें जो फॉर्मेशन करके लिया है, जो कि मैंने इन करके जो कैटेगरी, उसमें शिक्षा का व्यवस्था जो है ठीक नहीं है। शिक्षक को अगर ठीक ढंग से पढ़ाए, ठीक ढंग से ही करे, सुनिश्चित करे, तो बच्चों की भविष्य कभी खराब नहीं होगी। जी धन्यवाद भूदेव जी, अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। ये पीएमसीएच की आप तस्वीर देख रहे हैं, बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की तस्वीर, और बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था नींद में है और उसे कोल्ड ड्रिंक के बोतल से पाइप लगाकर बचाने की कोशिश हो रही है। मोकामा से एक दर्शक संजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी संजीत जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? हमारा तो यही कहना है सर कि जब बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बंसी बजा रहे हैं और उनके पिताजी रोज कोर्ट जा रहे हैं और सरकार जो नीतीश कुमार है वो शराबबंदी ये बोल रहे हैं, तो फिर अस्पताल का क्या हाल होगा सर? रोज दिन तो दिखा रहे हैं सर कि मैंने बेड नहीं मिल रहा है, तो पर भी कुछ नहीं हो रहा है सर। खाली वोट लेने के लिए कहते हैं सर कि भाई गरीब की पार्टी है, गरीब की पार्टी है, और जब समय आता है तो कभी बोलते हैं बैकवर्ड, कभी फॉरवर्ड, अब वोट तो मिलियन जाता है सर, गरीब भी उनके तरफ हो जाता है। अबरी बार जो दो साल से देख रहा है सर बिहार में कुछ नहीं विकास हो रहा है सर, कोई नेता नहीं है जमीन से जुड़ा हुआ है सर। जी धन्यवाद संजीत जी, न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। ये पीएमसीएच की व्यवस्था सोई हुई है, मरणासन स्थिति में है। चंदन कुमार एक दर्शक पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी चंदन जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? मैं बता रहा हूं कि आज महागठबंधन का सरकार जो चल रहा है बहुत ही अच्छी सरकार चल रहा है। पीएमसीएच में या पीएमसीएच हो या एनएमसीएच हो, चाहे पटना के बिहार के टोटल हॉस्पिटल हो, सरकारी हॉस्पिटल का व्यवस्था बहुत ही सुधार हुई है। जो पिछला सरकार के गतिविधि चल रहा था उससे 100 गुना उपेक्षा महागठबंधन के सरकार में। सभी हॉस्पिटल दुरुस्त है, सभी लोगों को इलाज होती है, सभी गरीब गुरबा का, और लालू यादव गरीबों का नेता है। कोई कहता हो कि गरीब का नेता लालू यादव नहीं है, वो नहीं है, हकीकत में वो जमीन का नेता है, गरीब का नेता है, गरीब का बात करने वाला। आरएसएस के लोग कुछ लोग तो बोलते ही है। जी चंदन जी, शायद आप ये तस्वीर नहीं देख रहे हैं, और अगर इन तस्वीरों को आप बेहतर व्यवस्था कहते हैं तो अच्छी बात है। हम कामना करते हैं कि आपको बिहार के सरकारी स्वास्थ्य सेवा की आवश्यकता न पड़े। धन्यवाद चंदन जी, न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। रविंद्र एक दर्शक बीकानेर से जुड़े हुए हैं। जी रविंद्र जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? रविंद्र जी बोलिए। आप भी हमें फोन कर सकते हैं इस मुद्दे पर, अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। ये पीएमसीएच की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां व्यवस्था सोई हुई है और जुगाड़ तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। सूबे के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में आप देखकर हैरान रह जाएंगे और समझ नहीं पाएंगे कि आखिर इस कोल्ड ड्रिंक के बोतल में पाइप लगाकर मरीज की किस तरह से मदद की जा रही है। बेड की कमी को समझा जा सकता है, सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, सूबे के अलग अलग हिस्से से मरीज यहां इलाज के लिए पहुंचते हैं और मरीजों का दबाव रहता है, लेकिन इसके बावजूद लोग सोए हुए हों तो समझा जा सकता है क्या हाल है। प्रिंस एक दर्शक पटना से जुड़े हुए हैं। जी प्रिंस जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? सर,
सर मैं यही कह सकता हूँ सर कि पीएमसीएच की ये हालत है कि यहाँ काफी यानी कि ये नर्स की भी बहुत कमी है और सुविधाओं की तो घोर कमी है सर जी। है ना, यहाँ पीएमसीएच इमरजेंसी में आप देखेंगे तो 300-350 पेशेंट होती हैं, लेकिन नर्स कितनी है, 8-10 बमुश्किल आपको मिलेंगे देखने को लिए। वो भी इतने प्रेशर में रहते हैं कि वो हमेशा गलती कर बैठते हैं। और जो बिहार की जो सुविधा है यानी कि जो आपकी मेडिकल फैसिलिटी है वो सिर्फ अमीरों के लिए है, नेताओं के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है, है ना। हम लोग तो देखते हैं और हम लोग खुद एनएमसीएच के बगल से रहते हैं, हम लोग देखते हैं कि एनएमसीएच भी यहाँ पे है तो किसी काम का नहीं, वो सिर्फ है जो कि आदमी को पीएमसीएच आपको भेजने के लिए एनएमसीएच है। और तब तक कितने मरीज मर जाते हैं और पीएमसीएच में चक्कर लगाते लगाते कितने पेशेंट मर जाते हैं, है ना। प्रिंस जी, न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। आप भी हमें फोन कर सकते हैं, हमारा फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अशोक एक दर्शक पटना से जुड़े हुए हैं। जी अशोक जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? इसमें है कि सुशासन बाबू जो हैं अभी वो इस सब पे ध्यान न दे करके वो सिर्फ शराबबंदी पे ही ध्यान दे रहे हैं, उनका टोटल जो फोकस है वो शराबबंदी पे है जी। और इस तरह के जो जन सुविधा वाले जो कार्य है उसको उनका ध्यान नहीं है। ये तो आप पीएमसीएच आप तो पटना का दिखा रहे हैं, बिहार के लगभग सभी अस्पतालों में यही स्थिति है जी। डॉक्टर जो हैं वहाँ पे एक हॉस्पिटल में 5-7-8-10 डॉक्टर वहाँ पोस्टिंग है, लेकिन वो लोग रोस्टर बना के ड्यूटी करते हैं और ड्यूटी में उनका कोई ये नहीं है। एक डॉक्टर आया 24 घंटा काम किया वो चला गया, फिर दूसरा डॉक्टर आया वो 24 घंटा काम किया और फिर वो एक हफ्ते बाद आएंगे। इस तरह की स्थिति लगभग बिहार के सभी अस्पतालों में जी। तो हमारे जो सुशासन बाबू हैं उनको सिर्फ शराब और ये अभी नया वाला पर आते हैं दहेज का और बाल विवाह ये इस पे लगे हुए हैं, इन मूलभूत सुविधाओं पर उनका ध्यान नहीं जी। धन्यवाद अशोक जी न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो आप भी हमें फोन करें, हमारा फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। विजय एक दर्शक समस्तीपुर से जुड़े हुए हैं। जी विजय जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? जी जी मैं बताना चाह हेलो जी सुन रहे हैं बोलिए। जी मैं बताना चाहूंगा ये जो व्यवस्था है इसमें मैं देख रहा हूँ इसमें कहीं ना कहीं तो अस्पताल प्रबंधक जो होते हैं सीएस जो होते हैं उनकी लापरवाही है इसमें, वो उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं या हेलो जी सुन रहे हैं। जी जी अस्पताल प्रबंधक जो होते हैं सीएस जो होते हैं उनकी उनकी लापरवाही है इसमें बिल्कुल। और ये जो इस तरह से दिखा रहा है जो बोतल में पानी के जूस की बोतल में पानी डाला जाती है क्या कहते हैं उसको डाला जा रहा है पेशेंट को, ये सब अस्पताल प्रबंधक की लापरवाही है। जहाँ तक रही बात नीतीश कुमार की, वो तो इस पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग हो या मान लीजिए आजकल वो शराबबंदी पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, इस पे भी ध्यान उनको देना चाहिए। धन्यवाद विजय जी न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। आप भी हमें फोन करें, हमारा फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। रोहित एक दर्शक धनबाद से जुड़े हुए हैं। जी रोहित जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? रोहित जी बोलिए। हाँ बोल रहे हैं, आपने जो ये दिखाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि हेल्थ मिनिस्टर और बिहार स्टेट गवर्नमेंट सिस्टम में इस पर प्रचार प्रबंध करे कि जो मरीज जाते उसके लिए अच्छे से इलाज किया जाए। धन्यवाद रोहित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप भी हमें फोन कर सकते हैं, हमारा फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। पटना से एक दर्शक अजय से जुड़े हुए हैं। जी अजय जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? तो
तो मुझे तो कहेंगे परसों हम रहते हैं पटना में जी। अपने के हम दिखाने के लिए आए तो वहाँ डॉक्टर जो कहते हैं डॉक्टर नर्स लोग जो होते ना जी वहाँ की एकदम बदतर स्थिति है पीएमसी। हमने के गए तो वहीं पर आज से 3 रोज पहले के काम में नर्स बोलते हैं जो अपने से पानी देखिए और डॉक्टर साहब बोलते हैं जो सर आ रहे सर के रात में इंतजार करते रह जाइए सुबह तक ठीक ना जी। उसमें कोई सुविधा के नाम पर कुछ है नहीं पीएमसी के अगर अभी 3 दिन 4 दिन के हाल के बात कर रहा है बच्चे पर चोट लग गया था हम लेके गए थे उगाए आरा सदर से रेफर था पटना आया। धन्यवाद अजय जी न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए अपनी बात साझा करने के लिए। तो कई भुक्तभोगी हैं पीएमसीएच की बदहाल व्यवस्था का, गनीमत रही कि उनके मरीज सही सलामत वापस लौट आए, लेकिन जो स्थिति है वो डरावनी है। मुद्दे पर आप भी अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप भी हमें फोन करें, हमारा फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस मुद्दे पर आप भी अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। पीएमसीएच का हाल जहां व्यवस्था सोई हुई है, हर ओर बस लापरवाही नजर आती है और जुगाड़ तकनीक से मरीजों का इलाज हो रहा है। जनाक्रोश में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।